नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ, ये विषय विशेष तौर पर 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। दरअसल आप लोगों के कई सवाल इससे रिलेटेड भी मेरे पास आए थे और आप लोगों ने सवाल पूछा था कि जो बच्चे इस बार 10th और 12th स्टैंडर्ड में हैं और जिनके एग्जाम्स 2021 में होने जा रहे हैं, क्या वो होंगे या उसे स्थगित कर दिया जाएगा मौजूदा सिचुएशन और महामारी को देखते हुए। तो इसी बीच जो खबर सामने आई है उसके हिसाब से मैं आप तक ये खबर पहुंचा देती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे 2021 में होने वाले फरवरी और मार्च में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप मत सोचिएगा, क्योंकि CBSE की तरफ से साफ तौर पर बयान सामने आ चुका है कि जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं वो जरूर होंगे, लेकिन क्या समय पर होंगे या उसे आगे बढ़ाया जाएगा सिचुएशन को देखते हुए, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन ऐसा सोचना कि महामारी को देखते हुए 2021 में होने वाले 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये खुद CBSE की तरफ से कहा गया है। इसी बीच और ये भी कहा गया है कि जल्द ही डेट शीट जो है वो भी आ जाएगी, क्योंकि दिसंबर महीने तक डेट शीट आ जाती है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। और ऐसे में फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट शीट जो है वो आ चुकी है। उसमें हालांकि कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति के अनुसार जो चीजें सामने आई है 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 जनवरी से 8 जनवरी तक प्रैक्टिकल एग्जाम 12th के होंगे। हालांकि CBSE ने कहा है कि ये तारीख जो है संभावित है, यानी कि 1 से 8 तक 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, लेकिन इसमें हो सकता है कि डेट में थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि SOP भी जारी की गई है, यानी कि गाइडलाइन इसके लिए जारी की गई है कि किस तरीके से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। बोर्ड ने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्कूलों को अलग अलग तारीखें जो है वो भेजी जाएगी और बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट है उसका मूल्यांकन की निगरानी नियुक्त जो ऑब्जर्वर है वो करेगा। पिछले सालों की तरह ही प्रैक्टिकल परीक्षा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्जामिनर होंगे और स्कूलों की ये जिम्मेदारी होगी कि CBSE बोर्ड द्वारा नियुक्त एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा ही प्रैक्टिकल परीक्षा जो है वो कराई जाए। और मूल्यांकन खत्म होने के बाद स्कूलों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर मार्क्स अपलोड करने होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट मूल्यांकन का काम संबंधित स्कूलों में ही चलेगा, ये SOP जारी की गई है। अब आप एक इम्पॉर्टेंट बात भी समझ लीजिए, स्कूलों को ऐप पर प्रैक्टिकल एग्जाम की फोटो डालनी होगी। जी हाँ, SOP में ये भी कहा गया है कि स्कूलों को ऐप पर प्रैक्टिकल एग्जाम की फोटो डालनी होगी। उसके लिए क्या प्रोसेस है ये भी आप समझिए। सभी स्कूलों को एक ऐप लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि डिजिटली इस साल आप लोगों ने पढ़ाई की, तो इसीलिए अब क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं उसमें डिजिटल और भी ज्यादा अपनी भूमिका निभाने जा रहा है, और इसीलिए सभी स्कूलों को एक ऐप उपलब्ध करवाया जाएगा और जिस पर उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स के हर एक बैच के ग्रुप फोटो अपलोड करनी होगी। ग्रुप फोटो में प्रैक्टिकल देने वाले बैच के सभी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर होंगे और फोटो में सभी के चेहरे स्पष्ट दिखने चाहिए। यानी कि जैसा मैंने आपको कहा कि डिजिटली माध्यम से इस साल आप लोगों ने पढ़ाई की और क्योंकि सिचुएशन अभी भी खराब है, खतरा टला नहीं है, और इसी को देखते हुए इस तरीके के SOP जारी किए जा रहे हैं ताकि महामारी के बीच भी आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो, आप लोगों के एग्जाम्स, आप लोगों की मेहनत खराब ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट है उसे जल्द ही वो डेट शीट सामने आ जाएगी और शेड्यूल सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि CBSE के जो सचिव हैं अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को ही कहा था कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स जरूर होंगे, क्योंकि कई संगठनों द्वारा इसके रद्द करने की मांग की गई थी और इस महामारी को देखते हुए, लेकिन CBSE ने साफ तौर पर कह दिया है कि एग्जाम्स जरूर होंगे लेकिन
किस तरीके से होंगे और क्या अपने समय पर होंगे या इसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों ने भी मुझसे सवाल पूछा था, जिसका जवाब इस वीडियो के जरिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो, आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। उम्मीद करती हूँ जब आप सवाल मुझसे पूछते हैं तो उसके जवाब आपको जरूर मिलते हैं, या तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब दे देती हूँ, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आपको पूरे विश्लेषण के साथ या पूरी बारीकी के साथ जानकारी चाहिए, उस पर मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ, ताकि मेरे सभी फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को किसी भी तरीके से कोई समस्या है तो उसके लिए, निराकरण के लिए वीडियो मैं जारी करती हूँ। और करती हूं आपने जो भी इससे रिलेटेड सवाल मुझसे पूछा उसका जवाब आपको जरूर मिला है। फिर भी अगर कोई भी आपके क्वेरीज हो तो आप मेंशन जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए व्यूवर हैं तो आप सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।